हेलो क्लास। तो बच्चा लोग कैसा लग रहा है? टेंथ के एग्ज़ाम नहीं देखे? एग्ज़ाम तो नहीं दिया है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है कि आपको करना क्या है ना। मतलब आपने टेंथ के एग्ज़ाम नहीं दिए, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपको नीट क्रैक करना है या जेई क्रैक करना है, किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देनी है, वो मैं आपको बताऊँगी, आपकी इससे हेल्प करूंगी। लेकिन आपने केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, बायो को या मैथ्स को अपना फ्रेंड बनाया है, सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। अपने आप को प्रिपेयर कर लो मेंटली और फिजिकली भी, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी है अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। हमें जो लक्ष्य हमने लेके चले हैं अपने लाइफ के लिए, आगे अपने फ्यूचर के लिए, तो वो हमको बनाने के लिए अभी से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह का माहौल चल रहा है बेटा, इन्वायरमेंट है बाहर का, उस समय आपको स्कूल वालों से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। आपको फिलहाल सिर्फ अपने आप सेल्फ स्टडी करनी है और हम आपके साथ हैं, है ना बच्चा। ये नहीं भूलना कि मैम आप कुछ पढ़ा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैम 24 आवर्स आपके साथ है। आप मुझे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी मैम बिजी हो, ठीक है, तो मैं आपको थोड़े टाइम लेके आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो माइंड में आपको ये लेके चलना है कि अगर हम ये फॉर्मेट अपना रहे हैं पढ़ाई करने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैम आपके साथ नहीं है। मैम आपको वैसे ही पढ़ा रही है जैसे जब आप सामने बैठे होते थे वैसे पढ़ाती थी। थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ी सी पढ़ाई और बहुत सारे टेस्ट। ओके बच्चा लो, तो हमें तैयार रहना है। मेरा क्या रहेगा, आपका जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपका टेस्ट लेने वाली होती हूँ, और हर चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम देखेंगे, बात के एक्सरसाइज होती है वो आप करेंगे, नहीं आता है हर क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है आपके टोटल केमिस्ट्री के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पार्ट में आपके 7 चैप्टर्स हैं और रिमेनिंग आपके ऑर्गेनिक में है। ऑर्गेनिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ऑर्गेनिक का जो रोल है वो आपकी 12th की पूरी एक बुक बनेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑर्गेनिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा स्कोर करता है। अगर आप नीट और जेई के लिए भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिलाएगा, ठीक है। और इसमें भी आपकी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी हमारा फिजिकल और इनऑर्गेनिक में डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका 11th क्लास में मैं बोलूँ तो कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा रहता है इसके अंदर, और आपका जेई मेंस में भी इसके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो 100% आता है, मतलब 8 मार्क्स या 4 मार्क्स आपका कैरी करेगा ये। ओके बच्चा, चलिए तो चालू करें आज हमारा चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का रोल क्या हो गया आजकल की लाइफ के लिए, केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, और जो डेली रूटीन में भी हम लोग काम करते हैं उसमें भी, साइंटिस्ट काम करते हैं उसमें भी, ये जो कोरोना वायरस का अभी चल रहा है उस पर भी जो रिसर्च चल रही है उसमें किसका रोल है, केमिस्ट्री का रोल है, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ें केमिस्ट्री की पढ़ेंगे इस आपके फर्स्ट चैप्टर में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में शुरुआती चीज़ें करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमको पता है केमिस्ट्री में सबसे छोटा यूनिट आपका एटम होता है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात कही है कि जो आपकी केमिस्ट्री होती है ये एक साइंस का पार्ट है सबसे पहली बात, और इसमें मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम दैम। तो केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल के बारे में आप जानते हैं, सबसे पहले तो सब लोग अपने लिए एक एक पीरियोडिक टेबल परचेज कर ले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी 11th में काम आएगा बहुत ज़्यादा, और 12th में भी काम आने वाली है, क्लियर है। तो आपका जो केमिस्ट्री में आपने अभी देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, तो जो केमिस्ट्री है वो केवल इन 118 एलिमेंट्स तक ही सीमित नहीं है, इनसे बनने वाले जाने कितने कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन आपको एक पता है, ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट्स के साथ मिलके उसका ऑक्साइड बनाती है, डाई ऑक्साइड के फॉर्म में रहती है,
और आपके और भी कई कई जगह पे वो काम आती है। तो इस तरह से सिर्फ एक एलिमेंट का सिर्फ अपने लिए ही यूज़ नहीं है कि वो इस फॉर्म में पाया जाता है, बल्कि वो कई सारे फॉर्म्स में पाया जाता है और नए नए टाइप्स के कंपाउंड्स को बनाता है। क्लियर है? चलिए, साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन इफेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो केमिस्ट्री है जो साइंस से आपकी मिलके आई है, साइंस से बनी है। साइंस में हम तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। लेकिन जो केमिस्ट्री का है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उसका अपना एक रोल है। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट वी कम अक्रॉस डिवाइस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ नेचर एंड चेंज इन दैम इन डेली लाइफ। तो जितने भी केमिस्ट्री में आपको सब्सटेंस वगैरह मिलते हैं उनका किस तरह से आप क्या अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, वो हम इस चीज़ में पढ़ेंगे आपकी इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर और पूरी केमिस्ट्री के अंदर है। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, इट इज़ अ केमिस्ट्री। कर्ड, आपने क्या हुआ, अरे मम्मी रात को तो दूध उबाला था, गर्मी में बाहर छोड़ दिया, सुबह दही जम गया, लो ये क्या हुआ, क्या हुआ, केमिस्ट्री की वजह से हुआ। क्या हुई उसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस हुई, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस और कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ चेंज विच वी केम अक्रॉस मैनी टाइम्स। तो केमिस्ट्री में कितने सारे रोल्स होते हैं आपके, आइस का मेल्ट होना, वेपोराइज चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, और आपके जो आइस के ऊपर, सॉरी आयरन के ऊपर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, केमिस्ट्री से लिंक्ड है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, साइंस इज अ सब डिवाइडेड इंटू वेरियस डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी। तो आपकी साइंस को आपके डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जूलॉजी के अंदर। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटीरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो बेटा जो पूरी केमिस्ट्री है वो बस उस पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। किसी से कुछ बन रहा है, किसी से कुछ बन रहा है, इसको इसके साथ मिलाया ये बन गया, इसको इसके साथ मिलाया ये बन गया। तो केमिस्ट्री क्या है आपकी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटीरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो हम जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस है, उनकी प्रिपरेशन कैसे बनता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किन की चीज़ों से रिएक्शन करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम किसके अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया है आपकी केमिस्ट्री के बारे में। आप डिटेल में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री ने आज तक कितना डेवलपमेंट किया है और क्या क्या इसके प्रोग्राम हैं, ये कैसे डेवलप हुई, किस तरह से लोगों के जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में चीज़ें आई कि ये हमें करना चाहिए, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, उसी के बारे में ये आपका पूरा स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं। तो इसमें क्या है, केमिस्ट्री का जो यूज़ है, सबसे पहले आपके जो पुराने टाइम के जो महात्मा मुनि वगैरह थे वो भी तो कुछ मिश्रण से दवाइयाँ बनाते थे, मैजिक करते थे, आग जला देते थे सडनली, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिक्स करके आग जला देते थे, तो ये सब चीज़ें क्या है, केमिस्ट्री है, क्योंकि किसने किसी से रिएक्ट करा तो फायर बन गई। तो उन सब चीज़ों का रोल आपके पहले के टाइम पे ही हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कर चुके थे, ठीक है। मॉडर्न केमिस्ट्री का धीरे धीरे हम अब पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके वो मिलते गए, एलिमेंट्स मिलते गए, उनके बारे में हम पढ़ते गए, उनसे अलग अलग उनसे प्रॉपर्टीज़ उनकी देखते रहे, उनकी रिएक्शंस कराते रहे अलग अलग एलिमेंट्स से, तो इस तरह से आपकी केमिस्ट्री का धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया और वो आज नई आपकी रिसर्च करने में भी काम आती है, ठीक है। तो ये वाले जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं ये तो आपके शॉर्ट में ही चीज़ें बताई गई हैं कि आपकी मेटलॉजी क्या होती है, जिसमें आप जो मेटल्स वगैरह उनकी रिफाइनिंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आता है, कॉस्मेटिक्स में काम आती है आपकी केमिस्ट्री का यूज़, ग्लासेस, डाई, मतलब आज के टाइम पे हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री का रोल है। अब आप देखो सिंपली फ़ैन अगर चल रहा है तो फ़ैन किस पर बेस्ड है, आपके एक फिजिक्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉपर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी स्टडी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, क्योंकि उसकी क्या होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें किस में है, केमिस्ट्री में। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो चीज़ है जो क्या है, केमिस्ट्री से लिंक्ड रहती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। चलिए,
इसमें आगे देखते हैं हम जो केमिस्ट्री का रोल है आज के टाइम पे, आप कहाँ कहाँ केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री का यूज़ आप देखो, अब ये जो एड्स की दवाई बनी है वो आपकी केमिस्ट्री का यूज़ था, जो आपके कैंसर की दवाई बनी थी डेट इज़ कैस्पिटलिन, ये भी आपका कहाँ, जो टैक्सोल है ये सब आपकी कैंसर थेरेपी में यूज़ होती है दवाई है, इसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। आपके जो एड्स के लिए AZT मेडिसिन यू बनाई गई थी वो भी केमिस्ट्री का रोल है। वैक्सीन जो बनाई है हमारे वायरस में उसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। तो ये सारे केमिस्ट्री के कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। ठीक है, तो मेन तो आपका ये तो टॉपिक ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ से जो चालू हो रहा है आपका दैट इज़ नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ से हमें अपना प्रिपेयर करना है माइंड कि अब हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है दैट इज़ नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ से बच्चा ये वाली जो वीडियो है ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है ताकि आप देखें कि किस तरह से हम आगे फर्दर स्टडी करने वाले हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जस्ट समझिए कि मैम बिल्कुल सामने बैठी है और आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर है बच्चा? तो हम जो नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ मैटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट करेंगे और आप मुझे ये वाली वीडियो देख के बताएंगे, अपने रिव्यूज़ देंगे कि आपको वीडियोज़ में चीज़ें समझ में आ रही है, क्या लग रहा है कि मैम आपके सामने ही बैठी है। और मुझे तो फील यही होता है जब मैं सामने कैमरे में देखती हूँ कि मेरे सारे बच्चे वहाँ सामने बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चा? तो जब तक क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होती हैं, ऑनलाइन ही चल रही हैं, तब तक हमें यही समझना है कि मैम थोड़ी छोटी हो गई और मोबाइल में जाके बैठ गई है। ठीक है बच्चा लोग? तो आपका नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ मैटर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, चालू करेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ मोहिता वाशने। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।